अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स। आज आपको अपने चैनल फूड ब्रेक पर वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए कुछ डिफरेंट और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं चिकन वेजिटेबल डोनट्स बनाने जा रही हूँ। ये एक कराची में बहुत एक मशहूर बेकरी है, वहाँ पर मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। व्यूवर्स, इसमें फिलिंग होती है सेंटर में शिमला मिर्च, गोभी और चिकन के श्रेड्स की। और जो होता है इसमें ये कि ऊपर नीचे ब्रेड होता है इसमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ इसके लिए डो बनानी है, ब्रेड की डो बनानी है। फिर इसके साथ साथ हमें चिकन के मैरिनेशन करके और चिकन को बॉईल करना है। चिकन में यहाँ मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। यहाँ मैं एक गिलास पानी शामिल करूँगी, साथ ही मैं लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून भर के लेना है, नमक 1/2 टी स्पून, काली मिर्च 1 टी स्पून। व्यूअर्स, साथ ही में मैंने यहाँ सोया सॉस और चिली सॉस 1/1 टेबल स्पून लेना है। मैं बॉटल से डाल रही हूँ, काफ़ी अर्से से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है। आप लोग स्पून से ही लीजिएगा। दोनों चीज़ें 1/1 टेबल स्पून डाली हैं। व्यूअर्स, यहाँ ये तमाम मिक्सचर मैं एक पतीली में शामिल करूँगी और व्यूवर्स इसे मैं पानी खुशक होने और चिकन गलने तक कुक करूंगी। अब आते हैं हम बाकी के अज्जा की तरफ। यहाँ मैंने एक कप बंद गोभी बारीक कटी हुई ली है, एक बड़ी शिमला मिर्च कटी हुई बारीक ली है, साथ ही मैं यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है, 1 टी स्पून मस्टर्ड लिया है। व्यूवर्स, अब हमें सोया और चिली सॉस की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, अब हम डो के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले 1/2 केजी मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून भर कर ईस्ट लिया है, नमक 1.5 टी स्पून है, शुगर 1 टी स्पून है। तमाम चीज़ों को हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करना है। व्यूअर्स, यहाँ मैदे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ एक गिलास पानी लिया है। अब मैं इसको डो के लिए प्याले में ऐड करूंगी पानी को और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसको गूंदी जाऊंगी। व्यूअर्स, इसका डो बहुत सख्त नहीं होता, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। नॉर्मल डो हमने तैयार करना है इसके लिए। आपको बताएंगे हमने कितना पानी यूज़ किया इसमें। मैदे में तमाम अज्जा मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स कर लिए अच्छी तरह इसको। गूंदना है हमें। व्यूअर्स, यहाँ एक गिलास तकरीबन पानी जा चुका है। मैं मज़ीद इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जितना शामिल करूँगी। व्यूअर्स, यहाँ मज़ीद हमने 2 से 3 टेबल स्पून जितना पानी लिया है। एक साथ कभी भी पानी नहीं डाल दिया करें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। बस व्यूअर्स, अब हम पानी नहीं डालेंगे। अब हम इसी डो को अच्छी तरह घूम के स्मूथ करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें कितना अच्छा स्मूथ डो हमारा तैयार हो गया है। इसमें मैंने एक गिलास और 2 से 3 टेबल स्पून जितना पानी लिया है। सबसे पहले मैंने एक गिलास लिया था, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। व्यूअर्स, मैदे की क्वालिटी पे होता है, कभी मैदा ज़्यादा पानी उठाता है, कभी कम, तो आप अपने हिसाब से देख के लीजिएगा। व्यूअर्स, साथ ही में मैं ज़रा सा यहाँ हल्का सा अपने हाथों पर इतना सा घी लगा रही हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और हल्का सा इसको मैंने ग्रीस करके कवर करके रख देना है। 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। जब ये डबल हो जाएगा, राइस हो जाएगा, इसके बाद हम इसको रोल आउट करेंगे। डो को पंच राउंड करेंगे, फिर रोल आउट करेंगे, फिर इसके हम राउंड सर्कल्स काटेंगे और उसके अंदर फिर स्टफिंग करेंगे और फिर हम अंडे और कॉर्नफ्लोर के बैटर में डिप करके डीप फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, अब मैं यहाँ इसको कवर करके रखूँगी
यहाँ मैंने इसको कवर करके रखना है, एक घंटे बाद आपको दिखाता हूँ। व्यूवर्स यहाँ आपको एक और चीज़ दिखाऊँ मैं, यहाँ देखें आप चिकन देखें हमारा ये पकना शुरू हो गया है। ये देखें मैंने इसको तमाम मसाले डाल के कुक होने के लिए रखा है, ये भी 20 मिनट में तकरीबन हो जाएगा, ये पानी ड्राई हो जाएगा। तो मैं इस चिकन को इसके मतलब इसको मैं फ्रेट कर लूँगी इसके चिकन के, और फिर आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरह करना है। व्यूवर्स यहाँ हमारा चिकन गल गया है और तमाम पानी भी खुशक हो गया, अब हम डिश में निकाल लेंगे इस तमाम चिकन और मसाले को, और इसको इस तरह से हम फ्रेट कर लेंगे। तमाम चिकन को आपने इस तरह श्रेड करना है, हाथों की मदद से कर लें। तमाम चिकन को आपने श्रेड कर लेना है, फोक की मदद से तमाम चिकन को श्रेड कर लिया है, ऑलमोस्ट तमाम चिकन श्रेड हो चुकी है। लाइक थ्रेड्स की तरह करना है आपको इसको, जैसे मतलब इस तरह धागा धागा होता है, इस तरह हमने इसको इस तरह रेशा कर लेना है। श्रेड हो गई ये चिकन, अब इस तरफ आते हैं। यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने कढ़ाई में घी शामिल किया है, साथ ही में मैं यहाँ गोभी और शिमला कटी हुई इसके अंदर डालूँगी। व्यूवर्स हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यहाँ 1 टीस्पून मस्टर्ड शामिल करूँगी, घी की जगह बटर भी ले सकते हैं। व्यूवर्स अब ये तमाम चिकन इसके अंदर मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम व्यूअर्स अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हे से उतार कर ठंडा होने रख दिया है, डो भी हमारा राइस हो चुका है। व्यूअर्स अब हम यहाँ बैटर बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 एग लिए हैं, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है, 1/4 टीस्पून से भी कम नमक लिया है, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में मैं यहाँ 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह विस्क की मदद से मिक्स करके बैटर तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स हमने यहाँ बैटर तैयार कर लिया है, अब हमने यहाँ काउंटर पे हल्का हल्का मैदा डस्ट करना है। डो को पंच डाउन करेंगे, थोड़ा सा डो को यहाँ हम पंच डाउन करेंगे। अब थोड़ा सा हमने इस डो को लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरह बेलना है। इसको हम बेलेंगे। फिर यहाँ हमने देखें डो को इतना थिन बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब व्यूवर्स हमने क्या करना है, इस तरह इसको कटर की मदद से काटना है। व्यूअर्स अब हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा ये उठाना है और यहाँ इस तरह साइड्स आपने इस तरह इसकी
सील करनी है। अब व्यूवर्स हमने यहाँ बेलन का पतले वाले रोलिंग पिन का बैक साइड लेना है और इससे हल्का सा इसको प्रेस करना है। अब आपने इसको 2 से 3 मिनट यहाँ छोड़ना है। दोबारा से इसको आपने इस तरह सील करना है फैलाते हुए और रोलिंग पिन का साइड आपने इस तरह, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऐसे फिंगर भी हल्की से प्रेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अनहाइजीनिक लगता है, तो आप इस तरह का कोई भी राउंड चीज़ ले लीजिएगा और आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ये बहुत सारी फिलिंग है, इससे बहुत सारे बन जाते हैं, 35 बन जाते हैं, कम से कम 35 to 37 बन जाते हैं ये तो, और बहुत ही लंच बॉक्स के लिए भी आइडियल है, हाइटी के लिए भी बहुत बेहतरीन है। आप इसे बनाएं, बना के दें बच्चों को अपने। वर्जियाँ मैं इस तरह छोड़ती जाऊंगी तमाम को और इसको 5 मिनट, पहले मैंने यहाँ तेल गरम करने रख दिया है कढ़ाई में, ये डीप फ्राई होते हैं फ्राई, हल्का हल्का मैदा डस्ट करना है और इसको हमने रोलिंग पिन की मदद से रोल करना है। व्यूअर्स अब हमने यहाँ मज़ीद बेल के इसको कटर से कट कर लिया है, अब इसको भी इस तरह से हमने सील कर लेना है। शिमला बीच में आ रही है, इसको हटा देंगे। इसको 2-3 मिनट हम छोड़ेंगे ताकि ये राइस हो जाए अच्छी तरह और भी, क्योंकि इसमें ईस्ट डला हुआ है, आपको पता है जिस चीज़ में ईस्ट होता है उसको प्रूफिंग देना ज़रूरी होता है। व्यूअर्स यहाँ आप देखें इस तरह, अब व्यूअर्स यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये भी थोड़े थोड़े राइस हो चुके हैं, ये देखें आप। तो व्यूअर्स यहाँ मैंने इसको एग में बैटर में डिप किया, देन यहाँ मैं इसको हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं, बिल्कुल कुशन की तरह ये सॉफ्ट होते हैं, इतने मज़े के लगते हैं, आप इसको केचप के साथ इंजॉय करें, ट्रस्ट मी कि बहुत ही बेहतरीन तैयार होंगे। मैंने यहाँ इसको डाला है इस तरह ऑयल में, हल्की आंच पे ये फ्राई हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ इस तरह साइड चेंज करूँगी, व्यूअर्स ये अच्छी तरह यहाँ फ्राई हो चुके हैं और ज़बरदस्त कलर भी आ गया है, और देखें माशाल्लाह कितने अच्छे फूले हैं ये देख सकते हैं आप इसको, ये देखें बिल्कुल ऐसे पफ्स की तरह फूले हैं। अब व्यूअर्स मैं इनको डिश आउट करूँगी और जो सेकंड मैंने यहाँ बना के रखे हैं वो मैं निकालूँगी, ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स यहाँ ये राइस हो चुके हैं, आप एक बनाएंगे तो पहले वाले राइस हो जाएंगे। व्यूअर्स अब मैं इसको भी ऑयल में डाल रही हूँ, हल्की आंच पे फ्राई कीजिएगा वरना अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। व्यूअर्स अब हम आपको ये डिश आउट करके दिखाएंगे और फिर बाकी के हम बाद में बनाएंगे। व्यूअर्स यहाँ ये भी फ्राई हो चुके हैं, देखें आप माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से राइस हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। आई होप व्यूअर्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। देख सकते हैं आप हमारे चिकन वेजिटेबल डोनट ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त
इसका फ्लेवर होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।